प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तलीला लेडिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन सीता छोड़ो इनको और देओ दिलासा दे सिर पाओ घरों बठाओ ए दिल गिर हो ये जिन इत बिहारी जी चमके सुन खतरुति के वचन इन तहकीक मुझसे नहीं खास गिरो सैयन खास गिरो सैयन माया का ये संसार जिसमें अज्ञानता के अंधकार ने अपना पैर फैला रखा है तो उसकी राह में बधाई ही बधाई खड़ी होती है। वर्तमान समय में जो गांधीवाद की परंपरा है इसमें तो ऐसी स्थिति बन गई है कि गांधी पर बैठा हुआ व्यक्ति यह चाहता है नहीं कि सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैले, क्योंकि लोकेश्रा वित्तीसरा और दारिश्रणा के बंधन में वो बंधा हुआ है होता है। बिहारी जी के साथ यही घटना घटित होती है। वे सोचते हैं कि यदि सभी इस ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे तो मुझे मत्था कौन टेकेगा, मेरे चरणों में शीश कौन चुकाएगा। उस वाणी को लेकर श्री जी बिहारी जी के पास जाते हैं, लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मैं गादी पर विराजमान हूँ और जो तुम्हारे तन से वाणी अवतरित हुई है इस ज्ञान को फैलाना नहीं है। पुनः किसी कारण से उनके मन में सद्भावना आती है और उस ग्रंथ को वापस दे देते हैं, क्योंकि जब वाणी अवतरित हो रही थी जामनगर के मंत्री की पत्नियों ने उस कारागार के छिद्र में से एक देखा था कि किस तरह से अलौकिक ब्रजरास की लीला हो रही है। उन्होंने समझ लिया था कि महाराज कोई सामान्य पुरुष नहीं है बल्कि दिव्य पुरुष है और इनके अंदर कोई परमात्मा की विशेष शक्ति है जो ब्रजरास की लीलाओं को प्रकट कर रही है। उन्होंने मंत्री से कहा कि देखिए, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो महाराज से क्षमा प्रार्थी बनिए, अपने अपराध की क्षमा मांगिए, क्योंकि आपने तो निर्दोष को ही कारागार में इतने समय तक डाला रखा है। अब श्री महाराज को सम्मानित किया जाता है राज दरबार की तरफ से, राजसी वस्त्र पहनाए जाते हैं और सभी राजा के अधिकारी क्षमा मांगते हैं कि महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। और राजा की तरफ से जूनागढ़ के पास
कुछ जमीन दी जाती है एक नए गांव को बसाने के लिए और उस पर पूरा अधिकार मिहिराज का होता है। अब श्री मिहिराज नहीं है, अब वो श्रीराज बन चुके हैं क्योंकि उनके तन से परमधाम की वाणी का अवतरण प्रारंभ हो चुका है। उस तन में परब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो चुका है। अब वो सब सुंदर साथ के प्राणनाथ बन चुके हैं, श्रीराज बन चुके हैं, श्रीजी बन चुके हैं। सभी उनके अंदर अपने प्रियतम की छवि देख रहे हैं, वाणी लेकर के जा रहे होते हैं। रास्ते में जूनागढ़ के बीच में घटना घटित होती है। श्री मिहिराज जी का पहला विवाह हुआ था फूलबाई के साथ। बिहारी जी महाराज का कोपभाजन उन्हें बनना पड़ा होता है, जिसके कारण फूलबाई जी ने अपना तन छोड़ दिया होता है, क्योंकि बिहारी जी उस निरंकुश गादीवाद के प्रतीक हैं जो संवेदना से रहित है, जो अपनी विचारधारा को दूसरों पर तानाशाही मानसिकता से थोपा करते हैं और एक निर्दोष गरीब सुंदर साथ को इसका शिकार बनना पड़ता है। जब उसको दर्शन के लिए आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो फूलबाई की सहानुभूति होती है उसके कारण बिहारी जी महाराज का तुगलकी फरमान जारी होता है कि मिहिराज या तो मुझे चुनो या अपनी पत्नी फूलबाई को चुनो। धर्म मार्ग की मर्यादा को निभाते हुए श्री जी ने यही सोचा कि मुझे धर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बिहारी जी का कथन को स्वीकार करना चाहिए। यह ध्यान रखिए, अन्याय का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। यदि अन्याय करने वाला कितना भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, हमेशा सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सर्वशक्तिमान होता है। सत्य में उस परब्रह्म की प्रेरणा होती है। सत्य भले ही संख्या बल से रहित हो, किसी पद से रहित हो, अर्थ से रहित हो, क्योंकि सत्य में जैतन्न नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं, और सत्य से मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। यह पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। अथर्ववेद के 14वें कांड का पहला मंत्र है सत्येन उत्भित्ता भूमि। यह सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी सत्य से टिकी हुई है। यदि मनुष्य सत्य का आचरण करे तो उसको उसके सभी कष्टों का समाधान केवल सत्य में ही करने की सामर्थ्य है। अब फूलबाई जी ने वो तन छोड़ दिया है, किंतु उस तन में जो परमधाम की आत्मा विद्यमान है एक युवा कन्या के अंदर प्रवेश हो जाती है, और वही कन्या श्री जी को देखती जब है तो घूंघट काट लेती है। उनके पिता को आश्चर्य होता है। वह कन्या है वीरजी भाणजी की पुत्री तेजबाई। श्री जी नदी के किनारे कुछ स्नान वगैरह के लिए बैठे होते हैं और वो पानी भरने के लिए आई होती है। पिता पूछते हैं कि क्या कारण है कि एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर तुमने घूंघट कर लिया। तेजगुरी जी कहती है कि नहीं, ये तो मेरे प्रीतम है, अनाथ प्रीतम। इनके अंदर जो स्वरूप बैठा है वो मेरी आत्मा का प्रीतम है, मेरा विवाह तो इन्हीं से होगा। और अंतोगत्वा पिता वीर जी भाणजी तेजगुरी जी का हाथ श्री जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। श्री जी जिस जूनागढ़ में पहुँचते हैं वहाँ एक सुंदर साथवी रहता था जिसका नाम था कांजी भाई। कांजी भाई दिग्विजयी पंडित हरजी व्यास के यहाँ नौकरी करते हैं, सेवा का कार्य। हरजी व्यास शास्त्रार्थ के महारथी हैं। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मरणासन अवस्था है। हरजी व्यास में विद्या का अहंग है। याद रखिए, भक्ति से रहित विद्या अहंकार पैदा करती है। मनुष्य ज्ञान के सागर में एक बुद्ध बन जाए तो भी वो धन धन हो जाता है, लेकिन जिसको भी भक्ति का रस प्राप्त नहीं होता वो अपनी संकुचित बुद्धि से यही सोचता है कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मैं जो चाहूँ वही सिद्ध कर सकता हूँ। जब मरणासन अवस्था में
हरजी व्यास पड़े हुए थे तो मुख से यही बड़बड़ा रहे थे कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरे अंदर एक ही हाम रह गई कि मैं जो कुछ कहता था सबको मारना पड़ता था। यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा साकार है तो कोई निराकार सिद्ध नहीं कर पाया, और यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है तो कोई साकार सिद्ध करने का साहस नहीं कर पाया। कांजी भाई ने ये बात सुनी और यह भी देखा कि सब लोग दान पुण्य करा रहे हैं, तो हरजी व्यास ने मना किया कि मेरे नाम पर दान मत कराओ क्योंकि मैं इस इंद्र का नहीं हूं। क्यों मना किया? जो दान सात्विक भावना से किया जाता है वही कल्याणकारी होता है। दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि धन मनुष्य का अपना नहीं होता है, मनुष्य कमाता अवश्य है लेकिन उस पर अधिकार, पहला अधिकार परमात्मा का होता है, दूसरा अधिकार राष्ट्र का होता है और तीसरा अधिकार उसका होता है। जो आपको आवश्यकता से धन मिला है वो समाज के कल्याण में, मानवता के कल्याण में खर्च करना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उसको विषय में खर्च करने लगता है तो समाज विकृत होने लगता है। वेद ने क्या कहा है? केवलागो भवति केवलादि, अकेले खाने वाला पाप खाता है। 10 व्यक्तियों के बीच में अब बैठे हैं, 9 आदमी भूख से तड़प रहे हैं और उनके सामने आप एक टुकड़ा दिए बिना अकेले खाते हैं तो आप ऐसे खा रहे हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली छिप छिप करके खा रहे हैं। वेद ने इसी को कहा है संगच्छद्वम संबद्धद्वम सम्मो मनांस जानताम। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हम मिल बांट करके खाएं। अकेले खाने वाला तो पाप खाता है लेकिन जब समाज में प्रवृत्ति हो जाती है कि केवल हम ही अकेले खाएं, भले ही हमारा पड़ोसी 4 दिनों से भूखा है तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। एक भूखे व्यक्ति की आह बहुत बुरी होती है। महान वह होता है जो दूसरों को खिलाए भले ही उसे स्वयं भूखा रहना पड़े, लेकिन तो जब दूसरे का आहार छीन कर स्वयं के पेट को भरने की प्रवृत्ति बन जाती है समाज में तो वर्ग संघर्ष शुरू होता है और इसी वर्ग संघर्ष ने कम्युनिज्मवाद को जन्म दिया, एक नास्तिक विचारधारा को जन्म दिया जो दूसरे के धन को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करती है। अति दोनों की बुरी है, पूंजीवाद भी बुरा है और कम्युनिस्टवाद भी बुरा है। बीच का जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो कहता है कि बांट बांट कर खाओ, जिसको वेद ने उपदिष्ट किया, हरजी व्यास ने क्यों मना किया कि आसक्ति के कारण जो दान पुण्य किया जाता है तो उस दान पुण्य के बदले सुख मिलता है और उस सुख के बदले पुनः जन्म लेना पड़ता है। हरजी व्यास के अंदर अक्षर की सुरता है और नहीं चाहती कि पुनः मुझे माता के गर्भ में लेना जन्म लेना पड़े, सबको मना कर दिया। कांजी भाई आकर कहते हैं श्री जी से कि श्री जी, यदि हरजी व्यास आपकी कृपा दृष्टि जीवित हो जाए तो संभवतः उसका कल्याण हो जाए क्योंकि वह कहता है कि मैं इस इंद्र का नहीं हूँ। श्री जी कहते हैं कि धाम धनी चाहेंगे तो स्वस्थ हो जाएगा। क्यों कहा? क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी कृपा से ठीक कर दूंगा? क्योंकि इस संसार में किसी को भी अपने तन पर कोई अंग नहीं लेना चाहिए, शोभा नहीं लेनी चाहिए। हर महापुरुष, हर परमहंस ही कहेगा कि उस मूल स्वरूप को दिल में बसाइए। यदि आप ये कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पास इतनी शक्ति है, तो वो अहं का प्रतिपादन करती है और प्रीतम और धनी के बीच और हमारी आत्मा के बीच में अहं सबसे बड़ा पर्दा है। इसी कारण स्वयं महामती जी बार बार कहेंगे कि राज्य के हुक्म से हो रहा है, ये नहीं कहेंगे कि मेरी इच्छा से हो रहा है। जो उनके अंदर बैठा है वो भी तो राज्य ही है। वाणी कहती है तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही क्यों मिला, क्योंकि यहां प्रेम खंडित हो जाता है। प्रेम कहता है तुम, माया कहती है मैं, परमधाम में आसिक ही मासूक है, मासूक ही आसिक है, प्रिया ही प्रियतम है, प्रियतम ही प्रिया है, सभी एक दूसरे को चाहते हैं। आप राज्य को हटाकर अपना स्तर आगे कर रहे हैं कि मैं कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है।
इसलिए कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मैं कर दूंगा। श्री महामती जी के द्वारा यही बात कही जा रही है कि धाम धनी की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब हरजी व्यास की सेवा करने लगते हैं, कान्जी भाई श्रद्धा पूर्वक स्वस्थ हो जाते हैं। हरजी व्यास पूछते हैं कि कान्जी भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? कान्जी भाई ने कहा कि एक महात्मा आए हैं, मेरे परिचित हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। हरजी व्यास बहुत प्रसन्न होते हैं और बुलवाते हैं श्री जी को। आप देखिए, ज्ञान क्या कहता है, विनम्रता देता है। जिस तन के अंदर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि विराजमान है, परब्रह्म का जोश विराजमान है, आवेश विराजमान है, परब्रह्म की हिलादनी शक्ति बैठी है, वह स्वरूप श्री जी का है, जो स्वयं एक भागवत के कथाकार के सामने नीचे बैठकर श्रवण कर रहा है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें ज्ञान के क्षेत्र में विनम्रता धारण करनी चाहिए। जब विद्या का अहंकार ज्वालामुखी बनकर के फूटता है तो संसार में कटुता ही पैदा होती है, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने को कम विद्वान करके नहीं आंकता। विद्वानों में द्वेष का कारण क्या होता है? एक विद्वान देखता है कि मेरी प्रतिष्ठा कम हो रही है, अमुक विद्वान की प्रतिष्ठा ज़्यादा हो रही है, तो प्रतिष्ठा के पीछे दोनों में द्वेष पैदा होता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? जो राग से, द्वेष से, घृणा से परे हो जाए, जो सबके अंदर चेतना को देखे, ग्रंथों के शब्द ज्ञान को रट्टा लगाकर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के प्रति घृणा रखना ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य नहीं होता है। श्री जी ने हमें शिक्षा दी है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सकल गुण निधान होते हुए भी, उस हरजी व्यास को उन्हें जागृत करना है तो नीचे बैठकर कथा सुनते हैं। सुनते सुनते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन हीरे के एक महल का प्रसंग आता है। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 89 अध्याय में यह प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण के पुत्र को मृत्यु के मुख से छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के चलते हैं। उस ब्राह्मण के कई पुत्र रहे होते हैं जो मर गए होते हैं, और वह ब्राह्मण पुत्र उग्रसेन के महल में, यानी श्री कृष्ण जी वसुदेव के सामने ही अपने मरे हुए पुत्रों को ला करके रख देता है कि श्री कृष्ण यदि परमात्मा कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, तो इनके राज्य में मेरे पुत्र क्यों मर रहे हैं? अर्जुन ने कहा था कि इसके बाद जो तुम्हारा पुत्र होगा मैं मरने नहीं दूंगा, यदि मैं रक्षा नहीं कर पाया तो जीवित ही अग्नि में जल मरूंगा। अर्जुन ने अपने बाणों से अभेद्य द्वार बना दिया, लेकिन मृत्यु तो भला बाणों के कवच को कैसे छोड़ सकती है? उसका भी भेदन करके मृत्यु उसके बालक को ग्रस लेती है। बालक पैदा ही होता है मरा हुआ। अब उसे ले जाना है, उसको लाना है, मरे हुए बालक को। अर्जुन अपना वचन पूरा नहीं कर पाते हैं, जलने के लिए तैयार होते हैं। जब वो चिता में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं तो श्री कृष्ण हंसते हुए रोकते हैं, कहते हैं कि अर्जुन चलो तुमको मैं ले चलता हूँ, वे बालक जहाँ भी हैं मैं ले करके आऊँगा। बालक तो सभी उसके मर चुके होते हैं। अर्जुन को अपने योग बल से श्री कृष्ण ले जाते हैं। 14 लोगों के इस ब्रह्मांड को पार करते हैं, घोर अंधकार होता है उसको पार करते हैं, अपने ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र के माध्यम से अंधकार को पार करते हुए वहाँ पहुँचते हैं जहाँ नारायण का निवास है। भ्राजन मणि सहस्त्र शोभितम, भागवत में लिखा है हजारों मणियों के, हीरों के हजारों स्तंभों से सुशोभित वह महल था। जब ये श्री जी ने सुना तो बस इतना पूछते हैं कि व्यास जी आप ये बताइए भ्राजन मणि सहस्त्र शोभितम कहाँ पर है? हरजी व्यास क्या बताएं, और ये किसका महल है? कहते हैं व्यास जी, हरजी व्यास कि महात्मा जी ये जो हीरे का महल है या पताल में है से सत्यनारायण का महल है।
श्री जी पूछते हैं कि आप पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में तो 14 लोगों का नाश हो जाएगा, पताल भी नष्ट हो जाएगा, तो ये महल कहाँ रहेगा, क्योंकि ये तो ब्रह्म का धाम है। हरजी व्यास कहते हैं कि नहीं, ये अक्षर का महल है। पूछते हैं कि कहाँ है ये, इसमें तो निराकार को पार करने की बात बताई गई है, घोर अंधकार को पार करने की बात बताई गई है। उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश में कैसे बता दें हरजी व्यास कि ये किसके हीरे का महल का वर्णन है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंद आलम, इठोर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। त्रिगुण का तात्पर्य है जो ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव का मूल हो, आदि नारायण। आदि नारायण का मूल निवास कहाँ है, जहाँ उसका बिंब है। ये आदि नारायण तो प्रतिबिंब है अक्षर के मन का। पुराण संहिता में इस सत्य को दर्शाया गया है, तस्मात नारायणो जग्ञे स एव प्रणवभिता। उस मोह सागर में नारायण का प्रकटन होता है, पंच अवयव संयुक्ता स एव प्रणव अभिधा। पंच अवयव वाला वह स्वरूप जो है अकार प्रणव, प्रणव के क्या है, पांच अवयव है, अकारस्य उकारस्य मकारस्य प्रजापति, एक हलंत है और बिंदु है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को के मन को क्या कहते हैं, अव्याकृत। ओम इत्येतत् अक्षरम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम्। मन को अव्याकृत कहते हैं और उसका प्रतीक क्या है, ओम। इसलिए आप सभी जानते हैं प्रत्येक वेद अनुयायी शास्त्र चिंतन करने वाला परमात्मा को ओम नाम से पुकारा करता है। वेद का प्रतिपाद्य विषय है अक्षर, ओम एतेत अक्षर अक्षरम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम्, मंडूक उपनिषद का यह वाक्य है। उस अक्षर का नाम जो है शास्त्रों में ओम कहा गया है। इतनी विवेचना नहीं है कि अव्याकृत क्या है, सबलिक क्या है, केवल क्या है और सत्स्वरूप क्या है। ब्रह्म के नाम को ओम से संबोधित करके कहा गया है, इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है, ओम क्रतो अस्मर क्लेवे ओम क्रतो अस्मर, हे मनुष्य तू ओम का स्मरण कर, उस अविनाशी ब्रह्म का स्मरण कर, क्योंकि वेद का प्रतिपाद्य विषय ओम है, अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म है, अक्षरातीत नहीं। वेदांत का प्रतिपाद्य विषय अक्षर है। कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छत तस्त। एतद एव अक्षरम ब्रह्म एतद एव अक्षरम परम एतद एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छत तस्त। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यही महान ब्रह्म है और उसका प्रतीक नाम क्या है, ओम। जैसे आप दर्पण में अपने को देखें, जैसा आपका असली रूप होगा दर्पण में भी वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति के दर्पण में, मोह सागर के दर्पण में जब अक्षर ब्रह्म का मन प्रतिबिंबित होगा तो उसको भी ओम कहा जाएगा। यही कारण है कि अक्षर ब्रह्म का जो मूल निवास, अक्षर ब्रह्म के मन का जो स्वरूप है वो अव्याकृत, जिसमें आदि नारायण का मूल स्थान है अव्याकृत के महाकारण में। प्रतीक उसका रूप है। इस मोह सागर में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको भी प्रणव ही कहते हैं। इसलिए नारायण को भी ओम कहते हैं और अव्याकृत को भी ओम कहते हैं। अंतर यही है कि नारायण प्रतिबिंबित रूप है और इस रहस्य को समझाने के लिए तारतम ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हरजी व्यास ग्रंथों के वाक्यों को पढ़े तो हैं, लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना कैसे वो सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तविक बात कहाँ की कही जा रही है। प्रसंग है माया से परे उस अव्याकृत के महाकारण का, जिसमें अव्याकृत का वास्तविक स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है और उसी का स्वरूप मोह सागर में प्रतिबिंबित होकर नारायण बन रहा है।
आप इसको एक दृष्टांत से समझिए। आप हैं, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, आप यहाँ सो गए, सोते समय आपका मन मुंबई चला गया, आपका शरीर तो यहाँ रहेगा। आप सपना कहाँ से देख रहे हैं? अपने चेतन के द्वारा। आपका कारण शरीर जो मन है, मन की तरंगे आपका रूप धारण कर लेती हैं और आपके रूप रंग जैसा हूबहू एक रूप धारण करके मुंबई पहुंच जाती है। आप जैसे जागृत अवस्था में सोच रहे थे, निद्रा में भी वैसे ही सोचते नहीं लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसी तरह से प्रतिबिंब किसका बना? बाह्य शरीर का। प्रतिबिंब में कौन जा रहा है, किसकी शक्ति जा रही है? जो महाकारण स्वरूप आपका है। यदि आपका मन न हो, आपका जीव न हो, तो मरा हुआ व्यक्ति के शरीर का सपना नहीं होता, सपने जीवित प्राणी का होता है। बस यही सी कहानी है। अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर मोह सागर में नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है और उसी नारायण के संकल्प एकोम बहुश्याम से सारी सृष्टि दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति के परमाणुओं में कंपन होता है, महातत्व अहंकार की रचना होती है, असंख्यों गैलेक्सियां दिखने लगती है और सूरज चांद सितारों का यह संसार दिखने लगता है। महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह सारा रहस्य खुलता है तारतम ज्ञान के प्रकाश में। जब श्री जी ने बताया कि हरजी व्यास यह बताओ ये अक्षर का है कि नारायण का है, क्योंकि उसमें परावर शब्द है, परावर। हरजी व्यास शास्त्रों के विद्वान हैं, मर्मज्ञ विद्वान नहीं। शास्त्रों के रहस्य को कौन समझेगा? जिसके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश होगा। मुंडक उपनिषद में एक कथन है, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की अज्ञान ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। कब? जब उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। परावर जो प्रकृति से परे है, वह परावर शब्द उन्होंने सुन लिया, पढ़ लिया, तो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का है और वर्णन है शेष साई नारायण का। शेष किसको कहते हैं? शून्य को। शून्य कहते हैं निराकार को। निराकार मोह सागर में जो सहन कर रहा है उसी को तो शेष साई नारायण कहते हैं। किंतु पौराणिक मान्यता में शेष नाग को मान लिया जाता है कि शेष नाग के सिर पर नारायण लेटते हैं। वास्तव में कोई नाग नहीं है। जब पांच तत्व थे ही नहीं तो नाग कहाँ से पैदा हो जाएगा और कछुआ कहाँ से पैदा हो जाएगा, बैल कहाँ से आ जाएगा? ये सारे वर्णन तो अलंकारिक हैं। इस बात पर हरजी व्यास को क्रोध आ जाता है और कटु वचन कहने लगते हैं, कट शब्दों से संबोधित करने लगते हैं कि मैं क्या करूं। जब शास्त्रों के बनाने वाले आचार्यों ने लिखा ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? श्री जी ने कहा कि हरजी व्यास तुम्हारा दोष नहीं है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के बिना भागवत का रचनाकार भी कैसे बता सकता है कि ये किसका मल है, अक्षर का मल है या नारायण का मल है? बिंब कौन है, प्रतिबिंब कौन है, स्वप्न का दृष्टा कौन है, स्वप्न में दिखने वाला कौन है? यह रहस्य तो तारतम्य वाणी के प्रकाश से विदित होगा। यह सुनते ही हरजी व्यास चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे भक्तराज, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। जैसे एक गुलर के अंदर लाखों जीव होते हैं, एक गुलर के पेड़ में लाखों जीव होते हैं, हर फल में अलग अलग जीव होते हैं, एक फल के जीव दूसरे फल के जीव के बारे में कुछ नहीं जानते, उसी तरह से अनंत सृष्टि में एक से एक बढ़कर के विद्वान होते हैं और मैं तो ज्ञान के अहंकार में पागल हो रहा था। मेरे अंदर विवेक नहीं था सत्य को जानने का। आपकी कृपा दृष्टि ने मुझे इस अंधेरे से परे कर दिया। आप मुझे परम धाम का ज्ञान दीजिए। श्री जी के चरणों में बैठकर हरजी व्यास अखंड का ज्ञान लेते हैं। अब श्री जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, जूनागढ़ में कुछ समय रहते हैं। इसी बीच ध्यानावस्था में देखते हैं कि जामनगर के सुंदर साथ पर संकट आने वाला है। कुतुब खान
का आक्रमण होने वाला होता है, क्योंकि कई वर्षों से कर नहीं चुकाया गया होता है। श्री जी वहाँ से चलकर तुरंत जामनगर आते हैं और कुतुब खान को कहते हैं कि नहीं, प्रजा पर आक्रमण न करो, तुम्हारा कर वापस कर दिया जाएगा। किंतु बहुत प्रयास करने पर भी कर वापस नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप शर्त के अनुसार श्री जी को कारागार में बंद होना पड़ता है और एक निश्चित समय पर फांसी की तैयारी हो जाती है, क्योंकि मुसलमानों से दया की आशा कैसे की जाए। और वह तो समय ऐसा था, चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार हो रहा था। हिंदू प्रजा पर मुस्लिम लोगों के असह्य आक्रमण होते थे, अत्याचार किया जाता था। आज का कल की तरह कोई संविधान नहीं था, जो राजा की इच्छा वही न्याय वही संविधान होता था। श्री जी के बहुत प्रयास करने पर भी जब कर पूरा नहीं किया जा सका तो कारागार में उन्हें जाना पड़ता है। किंतु जिस तरह से परमधाम की वाणी अवतरित होनी है, सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिलना है, उसके लिए फांसी का फंदा थोड़े होता है। मूल स्वरूप की प्रेरणा से ऐसी लीला होती है कि वही कांजी भाई जो हरजी ब्यास के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तेज कुंवरी जी का वस्त्र लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं एकांत में और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी आप यहाँ से चले जाइए। बिलखते हुए कांजी भाई अर्जी करते हैं कि धाम देनी, आप यहाँ से चले जाइए, आपका तन रहेगा तो मेरे जैसे हजारों कांजी भाई पैदा हो जाएंगे। श्री जी को कांजी भाई की बात माननी पड़ती है, उनके प्रेम के आग्रह को ठुकरा नहीं पाते और कांजी भाई श्री जी का वस्त्र धारण कर लेते हैं। श्री जी यहाँ से चलकर दीप बंदर पहुँचते हैं, अहमदाबाद के कारागार से सीधे निकलकर दीप बंदर पहुँचते हैं। दीप बंदर जो समुद्र के किनारे एक टापू जैसा है, इधर कई माह हो जाते हैं कारागार में रहते रहते। जब फांसी का दिन आता है तो कांजी भाई के मुख से कुरान की आयतें भी निकल पड़ती हैं और वो जोशीली आवाज़ में सबको फटकारते हैं कि मुसलमानों, क़यामत के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमने भोली भाली हिंदू प्रजा पर अत्याचार किया है और उस दिन तुम्हें दोजख की अग्नि में जलाया जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इस जोशीली आवाज़ को देखकर सभी बादशाह के कर्मचारी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो कोई फकीर है, बद्दुआ दे देगा तो हमारा नाश हो जाएगा। उसको फांसी होनी थी और सभी उसका आदर करते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि होना तो वही था जो मूल स्वरूप चाहते। जिसके सत्संग की इच्छा से असंख्य लोग एक पल में बनते हैं पानी के बुलबुलों की तरह और लय प्राप्त हो जाते हैं, उसकी ब्रह्मात्मा को कैसे कोई फांसी पर चढ़ा सकता है। अब दीप बंदर में श्री जी परम धाम के ज्ञान की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं जयराम कंसारा के यहाँ। जयराम कंसारा सतगुरु धन श्री देवचंद से तारतम्य ले चुके होते हैं, लेकिन आप जानते हैं श्री देवचंद जी के तन से वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। वाणी का अवतरण न होने से ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। संसार में सबसे बड़ी संपदा क्या है? ज्ञान। आज देश में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। आप सोचिए, दक्षिण भारत में एक मंदिर है पद्मनाभम, विष्णु का मंदिर है, उसकी संपत्ति कितनी है? 1,00,000 करोड़। सब सोने के जवाहरातों के सब वहाँ सज्जा है। यदि उतना धन ज्ञान के प्रचार में लगता तो इस देश का कायाकल्प हो जाता। मंदिरों में जो भी संपदा होती है सुंदर दिखने के लिए सजाई जाती है, उससे कोई लाभ नहीं है। मनुष्य के हृदय का श्रृंगार ज्ञान से होगा, प्रेम से होगा, वैराग्य से होगा, सहिष्णुता से होगा, शालीनता से होगा। सोना चांदी हीरा मोती ये तो माया है, परमात्मा के मंदिर में सोने चांदी हीरे मोती का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आज का सारा समाज तो यही कर रहा है
कहीं भी जाकर देखिए मंदिरों में हीरे मोती के हार चढ़ाए जा रहे हैं, सोने के कलश चढ़ाए जा रहे हैं, सोने का सिंहासन बनाया जा रहा है, सोने की पादुकाएं हैं। इतना धन यदि अंधकार में भटकती हुई मानवता को सत्य ज्ञान की शिक्षा देने में लगा दिया जाए तो शायद इस धरती पर कोई दुखी प्राणी न रह जाए, क्योंकि ज्ञान ही समाज का पथ प्रदर्शक है। सोने की ईंटों से बने हुए महल, सोने की ईंटों से बने हुए मंदिर और आश्रम समाज में कभी पथ प्रदर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। पथ प्रदर्शक की भूमिका तो ज्ञान के द्वारा नियंत्रित होती है, और उस ज्ञान के संवाहक यदि निष्काम भावना से ज्ञान को फैलाते हैं तभी संसार का कल्याण होता है। अब आप देखेंगे कि दीप बंदर पहुंचते हैं श्री जी जयराम कंसारक, तारतम तो ले चुके हैं, मीरा से पहले ले चुके होते हैं, कुछ पता नहीं। जब ज्ञान का प्रवाह रुक जाता है तो यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे अच्छे स्वच्छ जल को भी बर्तन में रख दीजिए तो सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है। भले ही जयराम कंसारा उम्र में बड़े हों लेकिन उन्होंने चर्चा सुनना छोड़ दिया, सत्संग न किया न कराया, ध्यान न किया न किसी को करने दिया। यहीं से तो अंधकार शुरू हो जाता है। कोई मंदिर बनता है करोड़ों रुपये खर्च करके, उसमें ज्ञान चर्चा नहीं होती, लोगों को ध्यान करने का मार्ग नहीं बताया जाता, परिणाम वह मंदिर राजनीति का अड्डा बन जाता है। उस आश्रम को बनाने से क्या लाभ जिसमें ज्ञान चर्चा नहीं होती है, भक्ति का मार्ग नहीं बताया जाता। जयराम कंसारा की भी यही स्थिति है, और श्री जी जब उनके यहाँ पहुँचते हैं बिना बुलाए, क्योंकि यह तो वह स्वरूप है जो बिना बुलाए सबके यहाँ जाएगा, चाहेगा कुछ नहीं, परम धाम का अखंड ज्ञान देगा और वहाँ से चल पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई आश्रम नहीं बनाना है, कोई मठ मंदिर नहीं बनाना है, उसका तो एक ही लक्ष्य है सबके हृदय में ज्ञान, परम धाम के ज्ञान की ज्योति जगा देना, सोए हुए को जगा देना, जगे हुए को खड़ा कर देना, खड़े हुए को परम धाम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देना। अब जयराम कंसारा को क्या किया जाएगा, कठोर शब्दों से संबोधित करते हैं कि भाई जयराम कंसारा तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा है, तूने सदगुरु धनी से देवचंद से तारतम लिया, बिहारी जी का गादी अभिषेक हुआ, गादी पर बैठाया गया, तुम नहीं आए, सतगुरु धनी से देवचंद जी के धाम गमन पर भी तुम नहीं आए, तुमने यहाँ किसी को परम धाम की ज्ञान चर्चा नहीं सुनाई, न चितवनी करते हो, न चर्चा सुनते हो, न सुनाते हो, आखिर क्या है। इतने कठोर शब्दों को सुनकर जयराम कंसारा को सावचेती हुई कि सचमुच मैं किस अंधकार में फंसा था। भोजन कराता है लेकिन श्री जी कहाँ भोजन के बाद आराम करते हैं, कहते हैं कि हम तो किसी और काम से आए हैं, हमारी इच्छा नहीं है पढ़ने की। एक बार स्वामी दयानंद अंधेरे में टहल रहे थे, उनसे मिलने के लिए विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पहुंचे। विवेकानंद ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि बताइए ये स्वामी दयानंद इतने व्याकुल होकर रात को क्यों ठहर रहे हैं, क्यों टहल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इनके अंदर एक आग है अनजानता के अंधकार को मिटा देने की, इसलिए दयानंद को किसी ने आराम करते हुए नहीं देखा। एक मनीषी ने कहा है कि ही वॉज मैरिड विथ हिज मिशन, किसी का विवाह होता है लड़की के साथ होता है, लेकिन ऋषि दयानंद का विवाह किसके साथ हुआ था, मिशन लक्ष्य के साथ। एक ही लक्ष्य है कि पाखंड के वृक्षों को जड़ से समाप्त कर दो और सारे देश में सारे संसार में ज्ञान की ज्योति जगा दो। श्री प्राणनाथ जी जयराम कंसारा को जगाने के लिए पहुंचे हैं तो प्रेम की मीठी लोरियां तो सुनाएंगे नहीं, जो ज्यादा सोता है उसको तो कठोर शब्दों से ही संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है। श्री जी समझाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तो ब्रज में थी, कि तुमने संसार की जरा भी चिंता नहीं की,
रहस्य में तुम थे, जागने में तुमने मेरे से पहले तारतम लिया, तुमने किया क्या? ऐसा करते करते वाणी चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। दीप बंदर में बहुतेरे सुंदर साथ जागृत होते हैं, किंतु आप जानते हैं, आप ज्ञान की ज्योत कहीं भी चलाएंगे, विरोधी खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही विरोध पहले भी होता रहा है। जो भी ज्ञान के ज्योत को जलाएगा, अंधकार उसको मिटाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगा, क्योंकि उसको भय रहता है, यदि ज्ञान फैलेगा तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जहाँ अज्ञानता का अंधकार है, वहीं गादीवाद है, वहीं वैभव विलास है, वहीं प्रतिष्ठा की ललक है, वहीं शिष्यों से अपने को भगवान या परमात्मा कहलाने की प्रवृत्ति है। सर्वशक्तिमान परमात्मा इस सृष्टि में यदि आता है तो स्वयं को यह नहीं कहता कि मैं परब्रह्म हूँ। जिस तन में बैठता है महामती जी के धाम हृदय में, वो ये कहते हैं कि परम धाम में अपना ध्यान करो। लेकिन आजकल तो एक होड़ चल गई है, विद्या अवनंद बुद्ध निष्कलंक की उपाधि धारण करने वाले एक तो दर्जन नहीं, कई दर्जन लोग हैं, और अधिकतर का रिकॉर्ड आपराधिक है। कितने जेलों में जा चुके हैं, कई हत्याओं के शिकार हैं। जरा सी बात हुई, शिष्यों का समूह इकट्ठा हुआ और घोषित कर देते हैं, हम बुद्ध अवतार हैं, हम निष्कलंक अवतार हैं, हम परमात्मा के स्वरूप हैं। किंतु यह स्वरूप सबको ज्ञान के प्रकाश से जगा रहा है, नहीं कह रहा है कि मैं अक्षरातीत का आवेश मेरे अंदर विराजमान है, मैं धाम धनी हूं, कभी नहीं कहेगा वो तन। अब जयराम कंसारा के यहां ज्ञान का प्रवाह जो चल पड़ता है, वहां के जो कथावाचक थे उनको बहुत परेशानी हो रही है। क्यों? वो सोचते हैं कि सब लोग जयराम भाई के यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ चढ़ावा कहाँ से आएगा। देखिए, कथा वाचन करना अलग है और ज्ञान का प्रकाश करना अलग है। भागवत का कथाकार, रामायण का कथाकार, गीता पर प्रवचन देने वाले यही चाहेंगे कि हमसे कोई नाराज ना होने पाए, किंतु ज्ञान की ज्योति जलाने वाला किसी को खुश करने के लिए ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहा है, उनका कल्याण करने के लिए जला रहा है, और उसमें वो निष्काम भावना से सब कुछ कहेगा। भागवत की कथा होती है, बड़े बड़े धन्ना सेठों ने उसमें पैसा लगाया होता है, यदि वो धन्ना सेठ शराब भी पिएंगे तो भागवत का कथाकार उनको क्यों कहेगा कि सेठ जी शराब मत पीजिए, क्योंकि उन्हें तो खुश करना होता है, लोगों को नचा नचा कर मनोरंजन करना होता है। लेकिन श्री जी मनोरंजन करने के लिए नहीं है, वो तो सोए हुओं को जगाने के लिए आए हैं। और इसलिए वहाँ के कथावाचक पंडितों ने चुगली करके वहाँ का बादशाह, जो पुर्तगाली बादशाह था, उसके पास एक चुगलखोर को भेजा कि वह जाकर बादशाह से शिकायत करे कि ये जो जयराम कंसारा के यहाँ कोई महात्मा आए हैं उनको निकाल देवे, और बहाना क्या कि हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आप देखिए, भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? उसी परमात्मा का। विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं? उसका। ब्रह्मा जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मर्द अस्तवंद दिव्य स्तवय, ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण आदि सभी देवता जिसका ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान सभी करते हैं, उसी परमात्मा का यदि ज्ञान दिया जाए तो उन देवताओं को तो कोई आपत्ति नहीं है। वो तो सोचते हैं कि अच्छा है, हमारे आराध्य का गुणगान हो रहा है, लेकिन उन देवताओं के भक्तों को ज़्यादा पीड़ा होती है। कारण क्या है? सर्वशक्तिमान परमात्मा की मूर्ति तो बनेगी नहीं, क्योंकि इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता, उसका रूप तो त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत स्वरूप की मूर्ति बनाना कैसे संभव हो सकता है? इस संसार में जो महापुरुष हुए हैं, देव पुरुष हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है, चढ़ावा कैसे मिलेगा यह प्रश्न होता है, और सारा झगड़ा चढ़ावे का होता है। इसी कारण जब आप अद्वैत ब्रह्म का उपदेश देंगे तो वहाँ के लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि यदि तुमने देवता का पूजन करना छोड़ दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा।
लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुक्ति मिले या न मिले, हम देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ेंगे। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाएगा? अव्यभिचारी योग से। अव्यभिचारी योग किसको कहते हैं? जिसमें एक ही प्रियतम हो, अनेक नहीं। पतिव्रता पणे सेविए, पतिव्रता के भाव से, जिस तरह से पतिव्रता पत्नी का एक ही पति होता है, उस भावना से हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। न थाइये वेश्या जेम, अनेकों को हम प्रियतम नहीं बना सकते। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, एकम एव अद्वितीयम, वह एक है, उसके जैसा कोई नहीं था, न कोई हो पाएगा। सभी देवी देवता तो उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं। हनुमान जी के जगह जगह मंदिर हैं। हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम के, परमात्मा के। राम भी तो उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर लीजिए, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, तो एक एक पत्ते पर कोई पानी नहीं देना चाहता, उसी तरह से यदि सारी सृष्टि एक परमात्मा की भक्ति करे तो देवी देवता स्वतः प्रसन्न रहते हैं। आप किसको किसको खुश करेंगे? हनुमान जी को खुश करेंगे तो गणेश जी कहेंगे कि हमको खुश नहीं, क्यों? शंकर जी की भक्ति कीजिए तो विष्णु कहते नहीं है, लेकिन लोगों के मन में भ्रम रहता है। आप किसी मंदिर में जाइए जिसमें ब्रह्मा जी की भी मूर्ति हो, शंकर जी की भी, गणेश जी की, काली जी की, दुर्गा जी की, हनुमान जी की, राम की, तो आप क्या करेंगे? आप सोचें कि एक को कैसे प्रणाम करूं, दूसरे कहेंगे कि हमको नहीं किया। सबको करना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि इनको नहीं करूंगा तो कहीं ये नाराज होकर कुछ नुकसान न कर दें। और तो आप राहु केतु को भी कर लेंगे। हंसी की बात तो तब आती है, शालिग्राम की तो कोई आकृति निश्चित नहीं होती, पत्थर का टुकड़ा ही होता है जो नदी में बहते बहते चिकना दिखने लगता है, शिवलिंग की आकृति होती है। मैंने तो ऐसे भी मंदिर देखे हैं जिसमें पत्थर के बेडौल टुकड़ों को भी रख दिया जाता है और उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। कैसा है यह संसार? हिंदू तो इतने भटक चुके हैं, कब्रों पर सिर को पटकते हैं। बताइए कब्रे में क्या रखा है? किसी संत महापुरुष की समाधि हो तो चलिए माना जाए कि उसमें महात्मा जी को दफनाया गया था। जो तथाकथित मीर पीर होते हैं, जो जीवन भर गोमांस का भक्षण कर रहे होते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर हिंदू मन्नत मांगते हैं, हे पीर देवता, हे फकीर जी, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हृदय में बैठे हुए परमात्मा की स्तुति नहीं करनी है, कब्रों से मांगना है। पूरे पंजाब में, पूरे देश में यही चल रहा है। सत्य परमात्मा की कोई भक्ति दुनिया नहीं कर रही है, साईं बाबा कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन मन्नत कैसे पूरी हो? सबने मान लिया कि सचमुच यही परमात्मा है, साईं बाबा की मूर्ति बना दी, उस मूर्ति से मांग रहे हैं। आत्मा के अंतर हिरण्य परे कोसे बिरजम ब्रह्म निष्कलम तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत् आत्मविदो विदो। हिरण्य कोश में जो परब्रह्म विराजमान है, जो ज्योतियों का ज्योत है, उससे नहीं मांगना है। मांगना है उस कब्र से जिसमें हड्डी भी गल गई होती है। मनुष्य के शरीर को मरने के बाद कब्र में दफना दिया जाता है, हड्डी मांस सड़ चुका होता है, कीड़ों ने खा लिया होता है, और मनुष्य उसी कब्र के ऊपर कपड़े चढ़ाता है, फल फूल मिठाई चढ़ाता है, उससे मन्नत मांगता है कि हे पीर जी, हे फकीर जी, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? एक कारण है कि जब तक अद्वैत का ज्ञान नहीं फैलेगा, संसार का कल्याण नहीं होगा। और ये पंडित कथाकार हर जगह झगड़ा करेंगे। आप पूरा घटनाक्रम सुनिए, श्री प्राणनाथ जी जहाँ भी जाएंगे इसी बात का बहाना बनाया जाएगा कि ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करते। चुगलखोर जब उस वहाँ जाता है शिकायत करने, एक अलौकिक व्यक्तित्व उसके मित्र का रूप धारण करके उसको समझाता है कि देखो
क्या तुमने उस महात्मा को निंदा करते हुए देखा है? कहा कि नहीं, मुझे तो पैसा मिला है यहाँ के कथावाचकों के द्वारा कि तुम जाकर के उनकी शिकायत कर दो, मुझे तो पैसे से मतलब है और मैं ये करने जा रहा हूँ। उसका मित्र उसको समझाता है कि देखो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। ये पुर्तगाली बादशाह यदि अत्याचार करेगा तो उसका दोष किस पर होगा? तुम्हारे ऊपर। गोवा में पुर्तगालियों ने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए जो अत्याचार किया उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पुर्तगालियों के उस निशंस अत्याचार ने चारों तरफ गोवा दमन दीव में जो उन्हीं का राज था यह कहानी प्रसिद्ध कर रखी थी कि पुर्तगाली बादशाह के मन में मानवता के प्रति कोई भी दया भावना नहीं है। एक ही कट्टरता कि सबको क्रिश्चियनिटी में शामिल करो, ये धर्म प्रचार नहीं है। धर्म का प्रचार तो ज्ञान से होता है, तलवार के बल पर नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब शासक तलवार उठा लेते हैं कि नहीं हमें अपनी धर्म की विचारधारा थोपनी है, तो वहाँ से धर्म के नाम पर जो मतमतांतर चलते हैं, धर्म को मत का मान लिया जाता है, कलंकित हो जाता है, मतांतरण किया जा सकता है। धर्म तो अखंड है, धर्म का स्वरूप तो सर्वथा एक होता है। असंख्य मत हो सकते हैं लेकिन असंख्य धर्म नहीं हो सकते। सत्य एक है, धर्म एक है, परमात्मा एक है। जो सत्य है वही धर्म है और वही परमात्मा है। मतमतांतर संप्रदाय अनेकों हो सकते हैं। एक संप्रदाय का अनुयायी दूसरे संप्रदाय के अनुयायियों को मारना चाहता है, मिटा देना चाहता है और अपने अस्तित्व की वृद्धि करना चाहता है, उसको बढ़ाए रखना चाहता है। आईएस की विचारधारा यही है। इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसके मूल में क्या है कि सभी लोगों को समाप्त कर दिया जाए और अपने इस्लाम की कट्टर शरीयत थोप दी जाए। इसको धर्म नहीं कहते हैं, यह अधर्म है। अब श्री जी तो अपनी चर्चा कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है कि आज चुगली होने गई है, कहीं पुलिस आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। डर के मारे कितने लोग भाग गए होते हैं, क्योंकि भय मनुष्य का एक दोष है। भयभीत कौन होता है? जो अज्ञानी होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो कभी भी नहीं डरता। डरेगा क्यों? उसके साथ तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति होती है। जिसका विश्वास था हमारा कुछ नहीं होगा वे चर्चा सुनने आए, जिनको भय था कि पता नहीं पुलिस क्या करेगी, क्योंकि हजार वर्ष की गुलामी ने हिंदुओं को इतना कायर और डरपोक बना दिया कि जरा सी बात होते ही सभी भाग छूटते थे, किसी ने मुकाबला करने का साहस नहीं किया। याद रखिए, जर्मनी की सेना रूस पर आक्रमण करती है, वहाँ का एक नगर है लेलिनग्राड, उस नगर के एक एक इमारत में लड़ाई होती रही है। एक तरफ हिटलर की सेना, वहाँ का हर व्यक्ति हथियार उठाता है और अंत में जर्मनी को हार माननी पड़ती है। जिस देश का हर व्यक्ति अपने देश की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है वह देश गुलाम क्यों होगा? लेकिन हमारे देश के लोग टिड्डी दल की तरह भागने लगते हैं, जैसे टिड्डियों का दल आता है भागते हैं। वीरता चली गई, स्वाभिमान चला गया, हजार साल की गुलामी ने हिंदुओं को इतना डरपोक कायर बना दिया कि जरा सी बात होती थी भाग छूटते थे। और ये भय कहाँ से होता है? अज्ञानता से। गीता कहती है नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहित पावक। जो हमारी आत्मा है इसको तो मृत्यु नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, सूर्य का तेज भी उसको जला नहीं सकता, फिर हम क्यों डरे? मैंने कई बार इस घटना का जिक्र किया है कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ केवल 500 सैनिक थे और उसके स्वागत में कलकत्ता की सड़कों पर 50,000 हिंदुस्तानी फूल फेंक रहे थे। यदि 50,000 हिंदुस्तानियों के अंदर स्वाभिमान होता, एक एक पत्थर मारते तो 500 सैनिक चले जाते, ये देश गुलाम नहीं होता। और अंग्रेज यहाँ के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर यहाँ पर शासन करते रहे,
300 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ शासन करते रहे, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्वाभिमान मिट गया था। यहाँ के लोग डरते थे, कांपते थे। 40 लाख लोगों पर कुछ हजार अंग्रेज एक दो साल नहीं 300 वर्षों तक शासन करते रहे, इसका मूल कारण क्या है? भय की भावना। यदि हमारे अंदर भय की भावना है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो चुगलखोर का मित्र है समझाता है, वो चुगलखोर नहीं जाता है, वापस लौट आता है। ये किसकी कृपा से हुआ? धामधनी की कृपा से। ऐसी लीलाएं चलती रही, सबने अपनी भूल मानी। अचानक श्री जी कहते हैं, 2 वर्ष का समय हो गया है, श्री जी कहते हैं कि मुझे जाने दो। सुंदर सात भावुक है, व्यथित हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश जब आप फैलाएंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे। पहले लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, कुछ विरोध करेंगे और अंतोगत्वा आपके साथ हो जाएंगे, यदि आप अपना धैर्य नहीं खोते हैं तो। श्री जी का भी विरोध होता है, हर जगह जहाँ भी जाएंगे उनका विरोध होगा, लेकिन जो उनके ज्ञान की छत्र छाया में आ जाएगा, उनको अपना सर्वस्व मानेगा और उनसे कभी भी अलग होना नहीं चाहेगा। सब रो रो कर कहने लगे कि नहीं धामधनी, आप हमें छोड़ कर नहीं चाहिए, लेकिन जाना तो है। बादल एक ही जगह बरसता रहेगा तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। बादल को तो सब जगह बरस कर सबको जल से सींचना है, इसलिए वेद क्या कहते हैं? चरैवेत, चलते रहो, एक जगह स्थिर मत रहो। देखिए नदी का जल बहता रहता है, सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, वायु चलती है, सृष्टि का कोई भी कण स्थिर नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि कुंडली मारकर एक ही जगह ना बैठ जाए, वो ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र करता रहे। जब से इस देश के लोग बड़े बड़े मठ बना करके बैठे रहे, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम जगह जगह जाकर ज्ञान का प्रकाश करें। हाँ, जब तक आप समाधि में बैठे हैं एक स्थान पर बैठिए, लेकिन एक जगह बैठकर खाइए पिए सोइए नहीं। जब आप अपनी आँखें खोलते हैं तो संसार की पीड़ा को भी देखिए। जिस देश में 70 लाख महात्मा रहते हों उस देश में धर्मांतरण हो, उस देश में धर्म के नाम पर विकृतियां हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश में आलस्य ने अपना पैर फैला रखा है। सन्यासी अपने कर्तव्य से विमुख हैं, समाधि भी नहीं लगाते तो मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे से वो राजाओं का जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें पुरुषार्थ की प्रवृत्ति नहीं है कि हम जगह जगह जाएं, लोगों को उपदेश दें कि मनुष्यों तुम धर्म के मार्ग पर चलो, जो वेद में, शास्त्रों में, प्राणनाथ जी की वाणी में, उपनिषदों में लिखा है उसका अनुसरण करो। लेकिन यह तो तब होगा जब वे स्वयं ही उस मार्ग का उल्लंघन करें। अब अरब के मुसलमान जिनका पेशा ही होता है दूसरों पर आक्रमण करना, आप देखेंगे संगठन में ही शक्ति होती है। कितना दुर्भाग्य का समय है। एक समय था सृष्टि के प्रारंभ से लेकर युधिष्ठिर के समय तक संसार के सभी चक्रवर्ती सम्राट भारत में होते। एक असहाय अवस्था ऐसी आ गई थी जब इस देश के लोग अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं करते थे। वे पत्थरों की मूर्तियों के आगे सिर झुकाते हैं, कब्रों के आगे सिर झुकाते हैं। एक परमात्मा पर अपने आत्मबल पर विश्वास न होने के कारण वे डरे रहते हैं, और मुसलमान झुंड बना करके आते हैं और लूट करके लेकर चले जाते हैं। महमूद गजनवी ने, गोरी ने लाखों लोगों को यहाँ से लेकर के गए और थोड़े थोड़े पैसे में हिंदुओं को बेचा। तैमूर लंग ने कितनों को गाजर मूली की तरह काटा। लेकिन इस देश के लोग सोचते हैं कि चलो हम तो बच गए, हमें दूसरों के लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। और यही प्रवृत्ति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंध तक फैला हुआ इतना बड़ा भारतवर्ष 1000 वर्ष तक कराहता रहा। इसकी पीड़ा को किसी ने नहीं सुना। मठों में बैठे हुए महात्मा आनंद मग्न रहे। वे घंटी घड़ियाल की आवाज में इतने बेसुध हो गए थे, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था
कि करोड़ों लोगों की हालत क्या है, उन तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाया गया, परिणाम क्या हुआ? देश का मनोबल टूटता रहा। अरब से लुटेरे आते हैं, समुद्र के किनारे हमला करते हैं, लोगों को पकड़कर ले जाते हैं, और वहाँ का राजा विरोध करने का साहस नहीं करता। अरब देश की शक्ति कितनी थी, कितने लोग वहाँ रहते थे? आजकल तो तेल के कारण अरब देश दुनिया में सबसे अधिक संपन्न है, उस समय तो तेल का आविष्कार ही नहीं था। यदि भारत के लोग संगठित होते, स्वाभिमान होता, तो उस आक्रमण का विरोध करते, लेकिन सभी असहाय हैं। गुजरात पर आक्रमण हो रहा है, पंजाब सोया रहेगा, राजस्थान सोया रहेगा। वो सोचते थे कि हमारे ऊपर थोड़े हो रहा है, वो तो गुजरातियों पर हो रहा है। उधर पंजाब पर आक्रमण हो रहा है, गुजरात वाले, मध्य प्रदेश वाले सोच रहे हैं हमारे ऊपर थोड़े हो रहा है, वो तो पंजाब वालों पर हो रहा है। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे सारा देश अत्याचार के आंधी में उड़ता गया। अब बाईजू सहित काफ़ी सुंदर साथ भी कैद में आते हैं। किसी कारणवश जाना था, परमधाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए श्री जी को वहाँ जाना था, क्योंकि परमधाम की आत्माएं ठट्ठे नगर में थी, मस्कत में थी, अवासी में थी, प्रतीक्षा कर रही हैं कब श्री जी के चरण कमल पड़ें, कब उनकी अमृतमयी वाणी यहाँ गूंजे और हमारी आत्मा जागृत हो। यह तो एक बहाना था कि किसी तरह से श्री जी को आना पड़ता है। उनको छुड़ाने के लिए श्री जी प्रस्थान करते हैं, एक बहाना भी मिल गया कि नहीं, मुझे जाना है, सबको छुड़ाना है। आप देखिए, नलिये से होते हुए श्री जी ठट्ठा नगर पहुँचते हैं, नाव पर चढ़ते हैं, लेकिन तूफान आता है, अरब पहुंच नहीं पाते। 17 दिन के पश्चात पुनः वापस आना पड़ता है। ठट्ठे नगर में नाथा जोशी वगैरह कई सुंदर साथ मिल जाते हैं, जो पहले से परिचित रहे होते हैं। ज्ञान का प्रवाह चल पड़ता है। ठट्ठे नगर में कबीर पंथ के एक आचार्य होते हैं, चिंतामणि जी। चिंतामणि महान विद्वान है, महान तपस्वी है, योगी है, 1000 शिष्यों के गुरु हैं वो। श्री जी जिज्ञासु बनकर जाते हैं। शिष्टाचार क्या कहता है, आपके पास कितना भी धन है, कितना भी ज्ञान है, उसका अहंकार न कीजिए। आपके पास विद्या है तो विवाद खड़ा न कीजिए, बल्कि अपनी विद्या से दूसरों का मार्गदर्शन कीजिए। श्री जी सबके पास जाते हैं तो सामान्य स्थान पर ही बैठ जाते हैं। कभी नहीं कहते कि मैं अक्षरातीत हूँ, मेरे लिए ऊंचा आसन दो और मैं तुमको जगाने आया हूँ। सूरज उगता है तो क्या कहता है कि संसार वालों, मैं तुम्हें प्रकाश देने के लिए आया हूँ। सूर्य का प्रकाश ही बोलता है कि सूरज उग आया है, अब अंधकार भाग जाएगा। सूरज कभी नहीं बोलता, सूरज अपने आचरण से बोलता है, मुख से नहीं बोलता। महापुरुष कभी अपने मुख से अपने कार्यों की प्रशंसा स्वयं नहीं करते, उनका कार्य बतलाता है कि उन्होंने क्या क्या किया। अब श्री जी को देखकर चिंतामणि पूछने लगते हैं कि महात्मा जी, यदि आपके पास अखंड का ज्ञान है तो मुझे दीजिए, नहीं तो आप यदि कहेंगे तो ज्योति का दर्शन मैं आपको करवा सकता हूँ, अनहद ध्वनि सुना सकता हूँ। ऐसे ऐसे बातें होने लगती हैं। बातचीत के क्रम में एक बार चिंतामणि कह बैठते हैं कि कौड़ी से हीरा भैया, हीरा से भैया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। उनके कहने का आशय यह होता है कि कबीर जी आधे भक्त हैं परमात्मा के और कमाल पूरे भक्त हैं। श्री जी कहते हैं कि नहीं, चिंतामणि जी आप सच्चे ज्वेलरी नहीं हैं, पारखी नहीं हैं, आप तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कमाल माया का एक जीव है और कबीर जी तो अक्षर की वासना है। कहाँ अक्षर की वासना कबीर और कहाँ माया के जीव
कमाल को आप कबीर जी से भी बड़ा कह रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि कबीर जी माया के अधिभक्त हैं और उनका हृदय तो प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता है। दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने गृहस्थी की चादर उड़ रखी है, कपड़ा बुनते हैं, तो संसार वाले ये समझते हैं कि कबीर जी आधा ध्यान माया में लगाते हैं और आधा ध्यान परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि शरीर से कबीर जी माया के आधे भक्त हैं, लेकिन आत्मा से प्रियतम परमात्मा के पूरे भक्त हैं। और कभी कमाल तो शरीर से भी माया का भक्त है, मन से भी भक्त है और जीव से भी भक्त है। जब यह बात श्री जी ने कही तो चिंतामणि को कुछ शक हो जाता है कि ऐसा अलौकिक ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। अपने शिष्यों से कहने लगते हैं कि देखो ये कोई अलौकिक महापुरुष हैं। अब श्री जी की बारी आती है, उन्होंने एक कबीर का शब्द सुनाया, एक पलक से गंग जोनित सी हो गए 34 पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बोले बैठी बोले मधुरे वाणी, उस मक्खी के मक्खा ना ही बिन पानी गर्भानी, उस मक्खी कुन तीनों जाए उत्तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूछे वह सतगुरु में चेला। श्री जी ने जैसे ये बात कही और उसका अर्थ समझाया कि देखो एक पलक क्या है, हर मनुष्य की दो पलकें होती हैं, दोनों आंखों से देखा जाता है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में चितघन शक्ति और आनंद शक्ति ये दो पलकें हैं। परम धाम में लीला किससे होती है? चितघन शक्ति स्वयं श्री राज है, चितघन स्वरूप। उनकी आनंद शक्ति कौन है? श्यामा जी और सखियां। दोनों मिलकर क्रीड़ा कर रही हैं, दोनों नेत्र से परम धाम में अद्वैत की लीला हो रही है। एक पलक से गंग जो निकसी, अक्षरातीत श्री राज जी के हृदय में इच्छा होती है कि मैं अपने स्वरूप की पहचान दूं, इच्छा रूपी गंगा निकलती है। एक पलक से गंग जो निकसी हो के 34 पानी, वह इच्छा सारे परमधाम में फैल जाती है, सखियों के अंदर भी और अक्षय ब्रह्म के अंदर भी। तीन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी, उस इच्छा रूपी गंगा में दो पर्वत डूब जाते हैं, सतंग अक्षर ब्रह्म और आनंदंग श्यामा जी सहित आत्माएं। दोनों की इच्छा होती है, सत देखना चाहता है आनंद की लीला, आनंद देखना चाहता है सत की लीला। दरिया लहर समानी, इस मेहर सागर का जो दरिया था उसमें इच्छा रूपी जो गंगा की लहरें समाविष्ट हो जाती हैं। नदी जब सागर में मिलती है तो जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। जब इच्छा रूपी गंगा मेहर सागर रूपी दरिया में प्रवेश करेगी तभी सबको वास्तविक सुख मिलेगा, यह इस खेल का रहस्य है। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, आप दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए संसार रूपी वृक्ष की रचना होती है। परब्रह्म के आदेश से सभी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के अवतरण की साक्षियां लिखी जाती है, यह है मधुरी वाणी का बोलना। उस मक्खी के मक्खन नहीं बिन पानी गर्भानी, मक्खी कोई संसारी प्राणी नहीं है, परब्रह्म के आदेश रूपी मक्खी से यह सब कुछ हो रहा है और उसकी इच्छा से तीनों गुण पैदा होते हैं, सत्व रज तम का ब्रह्मांड बना होता है। कबीर जी कहते हैं जो इसका रहस्य बता देगा वो सतगुरु होगा और मैं उसका शिष्य होऊंगा। और चिंतामणि की शिक्षा दीक्षा होती है बनारस में, उनके गुरु ने कहा था कि देखो चिंतामणि, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में परब्रह्म को आना है, जिस दिन इस शब्द का कोई अर्थ बता दे तो उनके चरण पकड़ लेना, समझ लेना कि इस स्वरूप में स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप आया है, उनके चरणों को नहीं छोड़ना। चिंतामणि प्रतीक्षा कर रहे थे कब वह स्वरूप आएगा जो इस शब्द का अर्थ बताएगा। श्री जी ने यह सब यह व्याख्या करके वहाँ से प्रस्थान कर दिया
चिंतामणि अब खोजते फिर रहे हैं, लेकिन उस समय इतनी जनसंख्या नहीं होती थी, खोजते खोजते पहुंच जाते हैं जहां श्री जी बैठे होते हैं, अटारी पर सब सुंदर साथ चर्चा का श्रवण कर रहे होते हैं। चिंतामणि की आत्मा को जागृत करना है। जागृत कैसे होंगे? ज्ञान के प्रकाश से। गादी भी एक माया है, शिष्यों का मोह भी एक माया है। शिष्यों से प्रेम कीजिए, मोह नहीं। मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम निर्विकार होता है, मोह अज्ञानता के कारण होता है। आजकल के गुरुजन क्या सोचते हैं कि मेरा शिष्य मेरे बाड़े में ही रहे, किसी और से चर्चा न सुने। उनको डर लगता है कि मुझे छोड़कर चला जाएगा तो जो धन की सेवा करता है यह सेवा बंद हो जाएगी। इसलिए सभी गुरुजन कहते हैं अपने गुरु को छोड़कर किसी अन्य के पास जाना पाप है। पहले के ऋषि जन क्या कहते थे कि यह बात मुझे नहीं मालूम है, अमुक के पास चले जाओ और उनसे ज्ञान ग्रहण करो। सांख्य दर्शन में यह बात कही गई है, बहुशास्त्र गुरु उपासने सट पदवत। जिस तरह से भौरा, भौरे के छह पैर होते हैं, जिस तरह से भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से ज्ञान के जिज्ञासु को चाहिए अनेक गुरुजनों से शास्त्रों से ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन आजकल तो गुरुडम इतना है कि हर कोई अपने शिष्यों को बाड़े में बांध करके रखना चाहता है कि मेरा शिष्य किसी से बात भी ना करे, किसी को अपना आदर्श भी ना माने। और ऐसा क्यों होता है? केवल धन के लोभ में। यह मोह है। सच्चा गुरु मोह नहीं करेगा, वो प्रेम करेगा, आत्मिक प्रेम। वो उसके कल्याण के लिए जहां भी भेजना होगा वो भेज देगा। किसी अन्य महापुरुष से बात करने में उसको परेशानी नहीं हो पाएगी। लेकिन जिन्होंने गुरुडम प्रसारित कर रखा है कि मैं गुरु हूँ, तुम शिष्य हो, मेरे से पूछे बिना तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी का उपदेश नहीं सुनोगे, क्योंकि उनको स्वार्थ होता है, मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं, वो तो समर्पण होता है, त्याग होता है। अब श्री जी चिंतामणि को माया से निकालते हैं। कैसे? एक क्रंदन उतरता है, सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। आप सुनिए ये क्रंदन कितना मोहक है। चिंतामणि की आत्मा को पुकारा जा रहा है कि तू परम धाम की आत्मा है चिंतामणि, तूने एक बेड़ी को तोड़ा है, घर गृहस्थी की जंजीरों को तोड़ा है, तू यहाँ महंत बनकर गादीपति बना बैठा है, इसको तोड़ करके तुम बाहर निकलो। सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, में सब कोई रहा उरझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बन जा रे, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्टाई, आटे आन के फांसी लगाई,
वे भी उलटिए दई उलटाई, बंध पर बंध दिए विध विध के, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली किन हुन जाईक, बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। श्री महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई, श्री महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई, झूठी छूटे साची पाए, झूठी छूटे साची पाए, सतगुरु लीज रिझाईक, बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उरझाईक, बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत के बन जारे। संसार के प्राणी तो अंधकार की पगडंडियों पर भटकते हुए उसी में अपने जीवन का कल्याण समझते हैं, खड़े हो जाते हैं चिंतामणि सबके बीच में, कहते हैं कि धामधनी आपके ज्ञान की लाठी से मैंने अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मार दिया है, अब मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, अपने हजार शिष्यों के साथ सबके सामने तारतम ग्रहण करते। स्त्री जी ने उनको 5 वस्तुओं का निषेध कराया, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ पर दरा चोरी न कब,
किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन हमारी बुद्धि को विकृत करता है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, चाहे वो मांस हो, शराब हो, मछली हो, क्योंकि समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ के लोग मछली का सेवन अधिक किया करते थे। मांस, मछली, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन हमारे मन को दूषित करता है, तमोगुण में लिप्त करता है। यदि हमें अपने हृदय को पवित्र बनाना है तो सात्विक आहार करना ही पड़ेगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि है। आहार की शुद्धि के बिना बुद्धि की शुद्धि नहीं होती। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुव स्मृति का तात्पर्य क्या है? हमारे अंदर ये स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हमें अपने परब्रह्म से हमेशा प्रेम करना है, उनकी छत्रछाया में रहना है। लेकिन जब मनुष्य वासना के आगोश में होता है, निद्रा के बंधन में होता है, तो भूल जाया करता है। स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा, हमारी स्मृति में प्रीतम बसा रहे तो क्या होगा? अज्ञानता की सभी ग्रंथियों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। हम पाप कब करते हैं? जब देखते हैं कि परमात्मा नहीं देख रहा है, हम छिप करके पाप कर लें। लेकिन यह भावना बन जाए कि हमें हर पल कोई देख रहा है, किसी की आंखें हमारी हर लीला को देख रही हैं, तो हम कभी भी लोहे की सात दीवारों के अंदर मुख से कोई कटु वचन नहीं कहेंगे, किसी के लिए निंदा में कोई शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। आचरण से तो बुरा कर्म करना एक स्वप्न हो जाएगा, किंतु यदि हम अपने आहार को तामसिक बना लेते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो हमारी विवेक शक्ति नष्ट हो जाएगी। किसी भी महात्मा के लिए नशे का सेवन और आहार की तामसिकता उचित नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि कितने महात्मा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। हंसी तो तब आती है, दुख भी होता है कि रामकृष्ण मिशन के भी सन्यासी, जो वेदांत के विद्वान होने का दावा करते हैं, वो भी मांसाहार करने लगे हैं। रावण चारों वेदों का पंडित था, लेकिन मांस का सेवन करता था, शराब का सेवन करता था, और इस तामसिक आहार ने उसको राक्षस बना दिया। इसलिए श्री जी ने पहले आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया कि बिना तमाकू छोड़ दे, वो मांस और मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी न कब। पर दारा, प्रत्येक दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान समझिए, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझिए, और हमेशा सत्य बोलिए। इसका पालन करने वाला ही अध्यात्म के स्वर्णिम पथ पर अपने कदम बढ़ा सकता है, और इसका उल्लंघन करने वाला, चाहे कितना भी शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, चौपाइयाँ कितनी भी याद रखता हो, कहीं ना कहीं राह से भटक जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो केवल मार्ग दर्शाने के लिए होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में पवित्रता चाहिए। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, हम अध्यात्म की संपदा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसी ठट्ठे नगर में लक्ष्मण दास एक सेठ रहते हैं। सेठ लक्ष्मण दास उनका नाम है, कालांतर में यही कहलाएंगे लाल दास। लगभग 99 जहाजों से उनका व्यापार चलता रहता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सुगंधि चारों तरफ फैलती है। उन तक बात आती है उनके ही कर्मचारी चतुरा नामक एक ब्राह्मण से, जो श्री जी को दूध लेकर के प्रतिदिन सेवा करने जाता है। लालदास जी, सेठ लक्ष्मण दास स्वयं भागवत के गीता के विद्वान हैं, लेकिन उनको तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला है। उनको यह बोध नहीं है कि अखंड ब्रज और रस कहाँ है। यह प्रश्न कर देते हैं चतुरदास, उनका ही कर्मचारी, गोदाम में भेंट हो जाती है कि बताइए सेठ जी, अखंड ब्रज और रस कहाँ है? लालदास जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि से उसको देखा जा सकता है। चतुरा पूछते हैं कि बताइए, जब महाप्रलय होगा, 5 तत्व 3 गुण वाला ये ब्रह्मांड तो रहेगा नहीं, पुनः दिव्य दृष्टि आप कब पाओगे? कब उस अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला को आप जानेंगे? लालदास जी चौंकते हैं कि मेरा कर्मचारी मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे आज तक पता ही नहीं था। अब चतुरे की संगति से लालदास जी को सौभाग्य प्राप्त होता है श्री जी के चरणों की छत्रछाया में आने का।
परम धाम की आत्मा है इस तन में। आपने देखा एक ब्रह्मात्मा महंत के अंदर बैठी है, एक ब्रह्मात्मा कांजी भाई के अंदर बैठी है, एक ब्रह्मात्मा यहाँ सेठ बनी बैठी है। आत्मा माया के बंधनों में स्वयं को भूल चुकी है। मैं कौन हूँ? मैं आनंद के सागर से बिछड़ी हूँ और मुझे उस आनंद के सागर में पुनः प्रवेश करना है। तो इसके लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, तारतम ज्ञान का प्रकाश, प्रीतम के प्रेम की मधुर धारा चाहिए जिसमें स्नान कर वो माया के विकारों को धो सके। क्योंकि उस प्रेम रूपी सत्ता में स्नान करते ही उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और यहीं बैठे बैठे वो परम धाम का साक्षात्कार करेगी, अपने प्राणेश्वर को देखेगी। अंतक चक्षुओं से देखने के पश्चात वह स्वयं को जानेगी। इसी को कहते हैं आत्म जागृति। और इसी के लिए कभी कठोपनिषद के ऋषि ने आह्वान किया था, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानिबोधयत छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतयत कवयो विदन्ति। उठो जगो, परम तत्व को प्राप्त करो। निश्चित रूप से यह मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, किंतु तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। भले ही कितना कठिन है तो क्या, इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है। कवि वेद ने उद्घोष किया था, उपनिषदों ने उद्घोष किया था, श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो। मेरी बात सुनो, तुम अपने को असहाय दीन क्यों महसूस कर रहे हो कि हम असहाय हैं, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ऊपर आए हुए माया के इस आवरण को उखाड़ फेंको, फिर देखोगे तुम तो उसी अनंत ज्योत की किरण हो, तुम उसी की स्वरूप हो जिसकी अनंत ज्योति फैल रही होती है। अनंत सागर की लहरों के समान तुम ही परब्रह्म की सहचरी हो, प्राणेश्वरी हो, प्रियेश्वरी हो, अर्धांगनी हो। तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध होते ही ये माया का संसार तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। जब लालदास जी को श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनने को मिलती है, उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अचानक एक दिन बाग में टहलते समय जिंदादास माली पूछ लेता है कि सेठ जी, आप जिसकी कथा सुनने जाते हैं क्या आपने उनके स्वरूप की पहचान की है? लालदास सोचते हैं कि मैं ही ऐसा बदनसीब हूँ, मेरे कर्मचारी बार बार मुझे लज्जित कर रहे हैं, मेरा सेवक मुझसे अखंड ब्रजराज की बात पूछता है, वहाँ भी मैं उत्तर नहीं दे पाया, और ये मेरा माली मुझे सिखापन दे रहा है, करें क्या? कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं जब उनको कोई बात आती नहीं है तो क्रोध नहीं दिखाते हैं, सोचते हैं कि गलती कहाँ से हुई है। लालदास जी से उनका माली जिंदादास कहता है कि देखिए, आप तो भागवत के विद्वान हैं, आपने मार्कंडेय की कहानी तो उसमें सुनी है। मार्कंडेय की इच्छा थी कि मैं माया भी देखूं और नारायण के चरणों से दूर भी न हूं। नारायण ने अपने चरणों की छत्रछाया में बैठा कर उनको माया भी दिखाई, प्रलय का दृश्य भी दिखाया और अपने चरणों में बैठाए रखा। उसी तरह से यही परमात्मा के स्वरूप है ये जिनको आप मिहराज के तन में देख रहे हैं, इनके हृदय में हमारी आत्मा के प्रीतम प्राणनाथ विराजे हैं। और यदि आप इनकी पहचान करिए बिना इनकी चर्चा सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे भूल हो रही है। लालदास जी को बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है कि मैं तो बहुत पीछे छूट गया, ये मेरे सेवक कहलाने वाले जिंदादास और चतुरा मेरे से कोसों आगे जा चुके हैं। पहचान करते हैं, अपना तन मन निछावर कर देते हैं अपने प्राणवल्लभ प्राणनाथ के प्रति। अब श्री जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, किसके लिए? मस्कत बंदर में, जहाँ महावजी भाई की आत्मा उनकी बाट देख रही होती है। आत्मा को तो पता नहीं, मिहराज का तन चल रहा है, उस तन में बैठी इंद्रावती की आत्मा को भी पता नहीं कि मुझे कहाँ चलना है, क्योंकि उस तन में जो घुड़सवार बैठा है वो ले जाएगा।
ना चाहते हुए भी मिहराज को वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा का हृदय ही तो उनका सिंहासन बैठा है, परमधाम की आत्माओं को जागृत करना है। हजार व्यक्तियों के साथ, हजार शिष्यों के साथ चिंतामणि ने तारतम लिया। सेठ लक्ष्मण दास ने अपने अनेक कर्मचारियों सेवकों के साथ तारतम लिया। ये परमधाम की दोनों आत्माएं हैं जिनके साथ जागने की विशिष्ट लीला जुड़ी हुई है। अब महोजी भाई के पास पहुंचते हैं श्री जी। लौकिक नाते से महोजी भाई उनका सम्मान करते हैं। अब श्री जी जहां भी जाएंगे क्या करेंगे? सूर्य का क्या काम है? केवल प्रकाश फैलाना। श्री जी जहां जाएं और चुप रहें ये संभव नहीं है। जब बादल लगेंगे तो बरसेंगे। श्री जी जहां भी जाते हैं एक ही बात है, केवल परम धाम के ज्ञान को फैलाना। हम भी सकारात्मक भावना से रहें, हर पल सोचें कि हमारा हर शब्द कोई सार्थक होना चाहिए। हम मुख से किसी की निंदा न करें, किसी को कट वचन न कहें। हमारे प्रत्येक कथन में कुछ न कुछ सार्थक छिपा होना चाहिए, तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। यदि हम अपनी ऊर्जा नकारात्मक दिशा की तरफ कर देंगे तो सबसे बड़ी क्षति हमारी होगी कि हमारा समय जाएगा, हमारी ऊर्जा जाएगी, हमारी मानसिकता दूषित होगी। हम दूसरों का कुछ नहीं हित करेंगे, हम सबसे बड़ा हित अपना करते हैं। अब श्री जी ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। महावजी भाई सेवा करने लगते हैं। एक दिन महावजी भाई की कुछ कठोर शब्दों में आलोचना कर देते हैं। आलोचना यानी खंडने, क्योंकि जो व्यक्ति अपने यहाँ किसी महापुरुष को ठहराता है अपना अधिकार जताना शुरू कर देता है, जैसे कि हमारे अधीन हो। श्री जी ने इसी संबंध में कहा, अब महावजी भाई को बुरा लग गया कि मैं इतने सम्मान से इनको भोजन कराता हूँ, इनके ठहरने की व्यवस्था करता हूँ, और सबके बीच में मुझे ही त्रुटिपूर्ण कर सिद्ध कर देते हैं, मुझे ही दोषी बना देते हैं। एक बात बताइए, सूरज का प्रकाश फैलता है तो सब पर समान रूप से फैलता है, कीचड़ पर भी पड़ता है, शीशे पर भी पड़ता है, वो देख देख कर कमी अधिक तो नहीं पड़ेगा। श्री जी सबके लिए बराबर हैं, अरबोपति के लिए भी, गरीब के लिए भी। कोई सम्मान करता है या अपमान करता है, सबके कल्याण की भावना से कहेंगे। और महापुरुष का यही कर्तव्य होता है कि सबके कल्याण की भावना से उसके लिए कहे। पत्थर फेंकने वाले पर भी वो कल्याण की दृष्टि रखते हैं, और फूलों के हार चढ़ाने वाले पर भी दृष्टि वही रखते हैं। उनको न किसी के फूलों के हार से लेना होता है, न किसी के पत्थर फेंकने वाले से उसका अशुभ करना होता है। उनको उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, जगत का कल्याण करना। जो सामान्य व्यक्ति होता है वह फूल फेंकने वालों से खुश हो जाता है, पत्थर फेंकने वालों से दूर हो जाता है कि हम क्यों इनका अपमान सहे। लेकिन जो मान और अपमान से परे है, त्रिगुणातीत है, उसको फूलों के हार से न तो मोह है और न पत्थरों के प्रहार से घृणा। अब श्री जी क्या करेंगे? जो उन्होंने कठोर वचन बोला, महावजी भाई को सहन नहीं हुआ, जाकर के सो जाते हैं कि अब मैं श्री जी की चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। राज जी की जोश लीला होती है ऐसी, सोए होते हैं, आधी रात को ऐसा लगता है कि महावजी भाई को किसी ने जोर से चांटा मार दिया हो। उठ करके देखते हैं कि क्या मैं सपना देख रहा हूं, ये चांटा किसने मारा? लेकिन लग रहा है कि अभी भी दर्द हो रहा है। उठ करके आते हैं, श्री जी के चरण पकड़ कर रोने लगते हैं कि दामदेनी, मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था, अब मुझे क्षमा कीजिए। अटूट निष्ठा हो जाती है महावजी भाई की श्री जी के चरणों में। जागनी का प्रकाश फैलता है, किंतु वहां भी कथावाचक विरोधी बनकर के उभर आते हैं। कथावाचकों को केवल अपने पैसों से लेना देना होता है। धर्म उपदेश का आशय क्या है? सबके लिए कल्याण का मार्ग बताना। एक
बच्चा बिच्छू को पकड़ने जाए और माँ उसको रोके नहीं तो माँ अपराधी है। उसी तरह से समाज में जो भी विकृतियां होती हैं उसके विरोध में बोलना प्रत्येक धर्म उपदेशक का कर्तव्य है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था कर्मणा है, जन्मना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय से को छोटा समझता है, क्षत्रिय वैश्य को छोटा समझता है, शूद्र को तो सभी तिरस्कृत करते हैं। इसके विपरीत कोई नहीं बोलता कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कर्म से बनते हैं, जन्म से किसी की जाति नहीं होती। छूत छात अपराध है, कोई खिलाफ में नहीं बोलता। जड़ पूजा हमारी आत्मा को अधोगत में ले जाने वाली होती है, इससे आत्मा का कल्याण कुछ नहीं होना है। आत्मा की जागृति के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, ध्यान की अग्नि चाहिए, विरह की ज्वाला चाहिए, तो हमारी आत्मिक जागृति होगी। इसके विवेचना कम की जाती है, केवल मनते मानाई जा मांगने के लिए विवश किया जाता है। लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं कि देखो अमुक तीर्थ में इतना भंडारा कर दोगे तो तुम्हें ये लाभ हो जाएगा। आजकल तो ऐसे महानुभाव हो गए हैं जो कहते हैं कि ये इस पकौड़े खा लो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मिठाई खा लो तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ये क्या है? धर्म को विकृत करना है, इससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता। ये तो लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। जो धर्म उपदेशक होगा चाहे उस पर पत्थर पड़े, संसार घृणा की दृष्टि देखें, फिर भी वह सत्य बात ही कहेगा, चाहे इसके लिए कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े। बुद्ध ने ऐसा ही किया। बुद्ध को घृणा सहनी पड़ती है, महावीर स्वामी को घृणा सहनी पड़ती है, दयानंद को घृणा सहनी पड़ती है, लेकिन किसी ने झूठे समाज के सामने सिर नहीं झुकाया बल्कि सबके कल्याण के लिए उपदेश दिया। इसलिए धर्म उपदेश का तात्पर्य है संसार में एक लीला, एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का बखान करना। जो संसार का कल्याण करना चाहेगा वो केवल सच्चिदानंद परब्रह्म की महिमा गाएगा, पत्थरों के देवताओं की महिमा नहीं गाएगा, क्योंकि जिसको देवता कहते हैं वो तो देते हैं। देवता मिठाई का प्रसाद नहीं लेते, पैसे का चढ़ावा नहीं लेते। देवता कौन है? माँ ने जन्म दिया है, देवता है प्रथम देवता। दूसरा देवता है पिता जिसने पालन पोषण किया है। तीसरा देवता है आचार्य जिसने हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोला है। चौथा देवता है वह सन्यासी, वह धर्म उपदेशक जो हमें सत्य ज्ञान का बोध कराता है। इन प्रत्यक्ष देवों को छोड़कर जो केवल शालिग्राम में उलझा रहे, शिवलिंग में उलझा रहे, नदियों को तीर्थ माने, वृक्षों को परमात्मा का स्वरूप मानकर पूजा करें, लेकिन इन प्रत्यक्ष चेतन देवों को छोड़कर जड़ पूजा में लगा हुआ मानव अपना कल्याण नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस भटकते हुए हिंदू समाज को कोई मार्ग नहीं दिखा पा रहा है। सभी कथावाचक श्रोताओं का मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, उस मनोरंजन से क्या लाभ जो हमें अंधकार की तरफ ले जाए। एक दिन मृत्यु आएगी और हमारे शरीर को उठा कर लेकर चल देगी। यदि हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जली जो हमें विवेक दे कि रे मानो तेरा जीवन मिला है सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए, तू उसकी खोज कर, तू कौन है, कहाँ से आया है, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, तेरी आत्मा का अनादि प्रियतम कैसे मिलेगा, तू उसके लिए पुरुषार्थ कर। इसलिए जब श्री जी अलौकिक ज्ञान का प्रकाश करते हैं तो वहाँ भी विरोधी खड़े हो जाते हैं, और जब विरोध जाना ज़्यादा हो जाता है वहाँ भी किरंतन उतरते हैं। रे हो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, ए सब कोई है सियाना, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मत माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार, खोवत जन्म गमार। रे हो दुनिया बावरी खो
अनंत जन्म गमार, खोबत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार, सुनत नाही पुकार, खोबत जन्म गमा। अपनी छाया सो आप बिगुते, अपनी छाया सो आप बिगुते, बल खोए चलिहा, आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार, खोबत जन्म गमार, रे हो दुनिया बाबरे। सत शब्द को कोई न चीने, सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभाल, समझे साधु जो आपको देखे, समझे साधु जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार, खोबत जन्म गमार, रे हो दुनिया बाबरी। या में सतगुरु मिले तो संसे भाने, पैड़ा दिखावे पा, या में सतगुरु मिले तो संसे भाने, पैड़ा दिखावे पा, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार, खोबत जन्म गमार, रे हो दुनिया बावरी। तब बल ना चले इन नारी को, तब बल ना चले इन नारी को, लोप सके ना लगा, श्री महामत या में खेलत पिया संग, श्री महामत या में खेलत पिया संग, नेह चले सुख निर्धार, खोबत
पत जन्म गमार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार खोवत जन्म गमार खोवत जन्म गमार खोवत जन्म गमार। श्री महामति की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है कि महामति तू किसको जगाने चली है? जिस संसार को तू जगाने का प्रयास कर रही है वह संसार तो नींद से उत्पन्न हुआ है। तू चाहती है कि ये सब जग जाएं और प्रीतम का प्रेम लें, ये कहां से जगेंगे जो नींद से उत्पन्न हुए हैं? मैं कहूं दुनिया भई बावरी, वो कहे बावरा मोही, एक मेरे कहे कौन पतीजे, ये बहुत झूठे क्यों हुई? तू अकेला है महामति और ये सारा संसार इतना करोड़ों प्राणियों से भरा है, तू सबको परमधाम की राह दिखाना चाहता है। तेरी आत्मा चाहती है कि सभी परमधाम के राही बने, किंतु तुम परमधाम के फूल लेकर आए हो और ये तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाने वाले हैं। इसलिए अच्छा यही होगा तू अपने प्राणेश्वर को एकांत में रिझा, इनके पीछे अपना समय न लगा, किंतु जागनी तो करनी ही पड़ती है। जागनी में कहीं कांटे मिलते हैं, कहीं फूल मिलते हैं, सबको सहन करके संसार का कल्याण करना ही हर ब्रह्मात्मा का कर्तव्य होता है। मस्कत में लीला चल रही होती है, आवासी बंदर के भैरव सेठ को लगता है कि मेरी बिरादरी के ही लोग अभी कैदखाने में हैं, सब छूट गए, तो अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए 70,000 लहारी अरब की जो उस समय करेंसी मुद्रा होती है वो देकर सबको छुड़ा लेते हैं। बाईजुराज जो इस लौकिक दृश्य श्री जी की अर्धांगिनी है और लोहाना क्षत्रिय वंश के जितने लोग होते हैं सबको 70,000 में छुड़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भैरव सेठ को जिसने सेवा की है, सेवा का फल तो राज्य देते ही हैं, लेकिन संसार की मर्यादा के अनुसार उसके अंदर भी परमधाम की आत्मा है। अब श्री जी के चरण कमल पड़ते हैं आवासी बंदर के अंदर, क्योंकि भैरव सेठ की आत्मा धन वैभव में इतना लिप्त हो चुकी है कि अपने स्वरूप को भूल चुकी है। मांस और शराब का सेवन भैरव सेठ करता है। आप देखेंगे श्री जी के अलौकिक ज्ञान के प्रकाश में कैसे उसकी आत्मा जागृत होती है और मात्र 3 दिन में यहीं बैठे बैठे परम धाम का साक्षात अनुभव कर लेती है। यह घटना हमारे लिए बहुत सी शिक्षादायी है, इसकी चर्चा आप सुनेंगे कल।